बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज तहसील के रामबख्श खेड़ा में अवैध खनन को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रामबख्श खेड़ा गांव के मजरा परहेटा से आ रही है, जहां गांव से सटे तालाब में हो रहे अवैध खनन को ग्रामीणों ने रोके जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि महादेव ट्रेडर्स नाम की फर्म के द्वारा गांव के तालाब में मानक के विपरीत अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंध में तहसील से लेकर गोसाईगंज थाने में इस अवैध खनन को रोके जाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और रात दिन खनन जारी है। बता दें कि खनन कार्य कर रही फर्म को यहां सिर्फ 2 मीटर की गहराई तक मिट्टी निकालने का परमिशन है, लेकिन फर्म मालिकों की मनमानी के चलते यहां 12 फीट से ज्यादा का गड्ढा कर दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो तालाब ज्यादा गहरा हो जाने से ग्रामीणों और मवेशियों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और इसी के साथ साथ बारिश के समय में तालाब से सटे खेतों की मिट्टियों में कटान होने लगेगा। फिलहाल भविष्य में होने वाली समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के द्वारा तहसील से लेकर थाना पुलिस तक शिकायत करने के बावजूद भी तालाब में खनन कार्य जारी है। यहां तक कि रात में खनन कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद भी रात में अवैध ढंग से खनन का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है।